28 फरवरी 2022 सुबह 4 बजे वेस्ट बंगाल से निकल के आसाम क्रॉस करके मैं फाइनली अरुणाचल प्रदेश पहुंच गया। टोटल राइडिंग डिस्टेंस टिल नाउ इज 300 प्लस किलोमीटर्स एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द रिमेनिंग जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर्स क्लॉक ऑन द सेम डे। टू सम अप, 28 फरवरी को मैं अपने सुपर स्प्लेंडर के साथ हैमिल्टन गर्ल से बोमडिला पहुंचा और उस दिन का सफर था 500 किलोमीटर्स का। तो अगर आपने अरुणाचल प्रदेश राइड का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, आई वुड अर्ज यू टू वॉच दैट एपिसोड इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। What's up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome back to the Gear Tales. मैं हूं दीपजीत और स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। So today it's 28th February 2022 and right now it's I don't know what's the time right now. तो दोस्तों welcome to the second episode of अरुणाचल प्रदेश राइड। This is day one part two. तो अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। अभी आगे आएगा बालेमू चेक पोस्ट, तो वहाँ पे जाकर के होपफुली मुझे आईएलपी मिल जाएगा ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन तो मेरा आईएलपी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी व्हाट अवेट्स अस। तो दोस्तों फाइनली आईएलपी मिल गया मुझे। तो अगर आपका ई आईएलपी अप्रूव नहीं होता है तो आप यहाँ पे आके भी आईएलपी बना सकते हो। उसका कॉस्ट होगा 400 रुपीज़, लेकिन आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको चाहिए होगा आपका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, उसका एक जेरोक्स कॉपी और आपका एक आईडी प्रूफ का जेरोक्स कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इंस्टेंटली बन जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ 400 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो अरुणाचल पुलिस के जो ऑफिसर थे बहुत हेल्पफुल थे, लेस देन फाइव मिनट्स के अंदर उन्होंने आईएलपी बना दिया। एंड राइट नाउ आई एम यू नो जस्ट ग्लाइडिंग ओवर दिस ब्यूटीफुल रोड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों टारगेट है आज का बोमडिला, जैसे कि मैंने आपको बताया बोमडिला में मैंने ऑलरेडी होटल बुकिंग कर लिया है। तो चलते हैं दोस्तों, लेट्स एंजॉय द माउंटेन्स ऑफ अरुणाचल ऑन दिस सुपर स्प्लेंडर BS6। क्या रोड है, मक्खन जैसा स्मूथ रोड और ये सुंदर सा नज़ारा। अरे 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 क्या बोलूँ दोस्तों, इसी के लिए तो आया था ना। ऑडोमीटर रीडिंग राइट नाउ इज 1,447 किलोमीटर्स, यानी कि 400 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और जो 400 किलोमीटर हाईवे राइड करके आया ना मैं, अभी जो टायर्डनेस हो रहा था ना सब गायब हो गया दोस्तों। अभी रीज़न तो आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है ना, देखो दोस्तों देखो, मतलब क्या है ये, इतना सुंदर है ये जगह, इतना सुंदर है ये रोड और जो वाइब्स है ना बहुत फ्रेश फील हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। क्या सुंदर रोड है यार, रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, लिटरली रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस ब्यूटीफुल रोड। अभी मतलब मेरा जो जोश है दोस्तों अव्वल लेवल पे पहुंच चुका है। अभी मतलब अभी मैं रोकने वाला नहीं हूँ। क्या रोड है दोस्तों, क्या रोड है, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बोलने को मतलब बयां करने को वर्ड्स नहीं है मेरे पास, ऐसा कंडीशन हो गया अभी मेरा, समझ रहे हो ना। और ये ट्विस्ट एंड टर्न्स, ओ माई गॉड, ओ ड्रॉप अ गियर मैन, ओ हल्का हल्का हल्का, अरे भाई साहब, अरे दादा की बोली, दादा कीजिए अवस्था, ड्राइव स्लो, आई एम करवेशियस, ओके ओके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द टूरिंग सेटअप। इस टूर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ वायाटेरा क्लॉ मिनी टेल बैग। इस बैग के अंदर मैंने रखे हैं कपड़े, थोड़े बहुत फ्रूट्स और कुछ एसेंशियल्स। बैग के ऊपर मैंने एक ट्राइपॉड लगाया हुआ है। बाइक के टैंक के ऊपर मैंने लगाया है राइनॉक्स मैग्नापॉड, जो कि एक मैग्नेटिक टैंक बैग है। और ये रहा एक फ़ोन होल्डर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है एक एयर सीट जो कि मैंने अपने सीट के ऊपर लगाया है, एंड दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हाइल यू आर ऑन द गो। और मैं अपने साथ पीठ में कैरी कर रहा हूँ एक बैकपैक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है ना,
वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज के इस वीडियो के लिए टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नीचे बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पब्लिश करूँ मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंसिडर फॉलोइंग द इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ द चैनल @thegeartales फॉर फोटोज, रील्स एंड रेगुलर अपडेट्स। तो ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ दो रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पे रोड का काम चालू है एज यू कैन सी, और वेदर दोस्तों काफ़ी ख़राब होता हुआ यहाँ पे, डर लग रहा है क्योंकि ऊपर में ना वहाँ पे पूरा क्लाउड्स क्लस्टर होके रखा है, जिसके चलते इट माइट रेन एज यू कैन सी, इट माइट रेन। तो लेट्स मेक इट फास्ट। वैसे जोश में होश नहीं खोना है, धीरे धीरे से जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे, जस्ट दैट वी हैव टू बी क्विक। एज यू कैन सी वेदर विल नॉट बी इन आवर फेवर। Having successfully ridden this super splendor over the steep roads of Darjeeling and Sikkim, I had no doubt regarding its performance in the hills. Shuffling between the second, third, fourth and sometimes fifth gears, I easily managed to maintain good pace on this hilly road of Arunachal. दोस्तों अभी मैं कुछ रॉ क्लिप शेयर करता हूँ, जहाँ पे आपको सिर्फ ये खूबसूरत हाईवे दिखेगा और इस बाइक का आवाज़ सुनाई देगा। Enjoy the footage. Distance from Balemmu to Bomdila is 128 kilometers. The National Highway 13 is constructed and maintained by BRO, that is Border Roads Organization. What a road they have constructed! अकेले अकेले अरुणाचल प्रदेश की इन वादियों में बाइक चला के एक अलग ही फील आ रहा था दोस्तों। एक तो ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर और ऊपर से नज़ारे भी एकदम शानदार। अभी मुझे थोड़ा बहुत भूख लगने लगा था, लेकिन आई डिसाइडेड टू स्टॉप ओनली ऑन रीचिंग बोमडिला। द मेन हाईलाइट ऑफ दिस रूट मस्ट बी द प्रेयर फ्लैग्स एंड द थॉट प्रोवोकिंग कोट्स बाई BRO. Just look at this beautiful prayer flags, दोस्तों देख रहे हो ना कितना सुंदर लग रहा है। ओ हो heavenly man, क्या बताऊं। ओफ दोस्तों, वेदर अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। इट्स गेटिंग क्लाउडी एंड आई एम फीलिंग वेरी 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 कोल्ड, बिकॉज इट्स अ मेश जैकेट, तो बहुत ज़्यादा हवा ना अंदर आ जाता है। तो अभी आगे कहीं पे रोकूंगा और आई विल एड एक्स्ट्रा लेयर, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। एंड ऑल्सो हैव टू चेंज माई ग्लव्स, ये वाला ग्लव्स से भी काम नहीं चलने वाला है, आई हैव टू पुट वार्म ग्लव्स। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, एज यू कैन सी वेदर बहुत ख़राब हो रहा है, तो मैंने राइडिंग जैकेट खोल के ये एक वार्म जैकेट पहन लिया है, और ये राइडिंग ग्लव्स भी खोल के मैं अभी ये ग्लव्स यूज़ करने वाला हूँ। जस्ट लुक एट द वेदर, इट्स गेटिंग वेरी इंटेंस।
Just look at the odometer reading. It reads 1542 kilometers. दोस्तों सुबह 4 बजे जब मैं घर से निकला था ओडोमीटर रीडिंग वाज 1042 किलोमीटर्स एंड अभी राइट नाउ इट्स 1542 किलोमीटर्स. कांट बिलीव इट दोस्तों, कांट बिलीव इट. 500 किलोमीटर्स इन अ डे ऑन सुपर स्प्लेंडर. हा यस, ओ माय गॉड, व्हाट अ राइड हैज बीन मैन, व्हाट अ राइड. मतलब क्या बोलूं दोस्तों, इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी. माय गॉड, कांट बिलीव इट यार. कैसे किया मैंने, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा है. ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल यार, कितना खूबसूरत है. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Bombilla. Right now the time is 5:15 PM in the evening. यहाँ पे मैंने एक होटल बुक किया जिसका रेट था 800 रुपये और कल सुबह मैं बोमडिला से सेला पास जाने वाला हूँ. दोस्तों आई होप दिस वीडियो वॉज वर्थ योर टाइम और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. विद दैट सेड, दिस इज योर होस्ट दीपजीत साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून.